नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एवीसीएम फिटनेस में। गाइज, आज मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू लाया हूं, डाबर का च्यवनप्राश। गाइज, ये एक बेसिक प्रोडक्ट है जो कि हर घर में यूज़ किया जाता है और ये इंडियन मार्केट में काफ़ी आसानी से अवेलेबल है। गाइज, हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि ये कब आप खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। गाइज, डाबर च्यवनप्राश, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है। इसके अलावा गाइज, इसमें काफ़ी, मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स हैं डाबर च्यवनप्राश के। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। गाइज, सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली ऐसे आपको पदार्थ मिलेंगे जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली गाइज, ये एक आयुर्वेदिक, आप कह सकते हैं कि च्यवनप्राश है, ये आयुर्वेद आयुर्वेद से जो है ये डेवलप हुआ है। गाइज, उसके अलावा ये आपके जो है टिश्यूज़ को रीजेनोवेट करने में हेल्प करता है, आपके हार्ट फंक्शन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें हेल्प करता है। उसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं और अच्छी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं प्लस सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनको बेसिकली ये इम्यूनिटी के साथ साथ जो है मसल मास गेन करने में भी हेल्प करता है। एंड गाइज, आपको मैं बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है गाइज, इंडियन मार्केट में आपको अराउंड 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, सबसे स्मॉल जो इसका टब है। एंड गाइज, ये प्रोडक्ट जो है आप 18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक खा सकते हैं, और जो बेसिकली बच्चे हैं वो एक डिफरेंट च्यवनप्राश आता है जो कि किड्स के लिए स्पेशल होता है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, दिन में आप 2 चम्मच ले सकते हैं, सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद ये रहता है प्रोडक्ट, आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको इस प्रोडक्ट से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइज, इस रिव्यू में इतना ही। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह के रिव्यूज़ आगे फ्यूचर में भी आप सबके लिए लाता रहूँगा। So thanks for watching my video guys. See you next time.